हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव, गौरव एक्सपेरिमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में देख पा रहे हो 775 डीसी मोटर है, जो 775 डीसी मोटर होती है वो आप जानते हो कि उसका आरपीएम और कितना टॉर्क होता है उसमें। तो ये जो मोटर है ना मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा आरपीएम की है और टॉर्क तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है, हाथ से तो रोक ही नहीं सकते उसको। तो ये देखिए, ये क्या है, लकड़ी। तो ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, तो ये गंदा हो रहा था तो मैं इसे चिकना ले रहा हूँ। तो इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिकना दूंगा, इसे ऐसे चिकना दूंगा जैसे देखते ही कोई भी इसे इम्प्रेस हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको चिकना रहा हूँ, जब तक के लिए आप वीडियो देखें पूरा बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है इस यहाँ पे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये कटिंग मशीन बनाने वाले हैं, जो बात है दोस्तों आपके सामने लाइव है बिल्कुल आंखों के सामने। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मोटर ले लिया हूँ। तो इस मोटर को यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 4 इंच यहाँ पे, तो 4 इंच यानी 4 इंच पे यहाँ पे हम इस मोटर को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इस मोटर को लगाने के लिए दोस्तों अलग ही झंझट है दूसरा। तो झंझट वो क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं रख रहा हूँ ना मोटर को। तो इस मोटर की शाफ्ट क्या है, छोटी पड़ रही है। तो शाफ्ट छोटी पड़ रही है, ये हमारी लकड़ी में से निकल नहीं रही है बाहर को। तो हमें दोस्तों और ही जुगाड़ लगाना होगा। तो जुगाड़ वो क्या है, तो अब देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये जुगाड़ है हमारे दोस्तों, ये मैंने लकड़ी यहाँ से काट दी है बीच में से। तो बीच में से लकड़ी आधी काट के फिर यहाँ पे मैंने मोटर के होल करके और स्क्रू को, यहाँ पे मोटर के जो स्क्रू लगते हैं उनके भी होल करके यहाँ पे मोटर को लगा के आपको दिखा रहा हूँ। जो बात है दोस्तों आपके सामने है बिल्कुल लाइव, आंखों के सामने लाइव बिल्कुल, जो बात है दोस्तों आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया पूरा मोटर यहाँ पे। तो ये देखिए एक, ये मैंने ले लिया एक पत्ती है, काफ़ी हार्ड पत्ती है, लोहे की है। तो इसको यहाँ से हम मार्क लगा के काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया, इसमें यहाँ से हम काट देंगे इसको, ये मैंने काट दिया। तो दोस्तों आपका भी टाइम बचा, मेरा ही टाइम बचा। तो इसमें दोस्तों आपका फ़ायदा, मेरा ही फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं पेंसिल से यहाँ पे ये लाइन खींच रहा हूँ। तो दोनों साइड लाइन खींचूँगा, इधर से भी और इधर से भी। तो लाइन बुक मैं क्यों खींच रहा हूँ आपको बताऊँगा, पूरा आपके सामने है लाइव बिल्कुल। तो इसको यहाँ से हम जितनी हमने लाइन खींची है ना, वहाँ से इसको पत्ती को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे हम। तो ऊपर की तरफ मैं इसको देखिए मोड़ रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। तो इसको यहाँ से हम मोड़ देंगे दोनों साइड से। तो दोस्तों काफ़ी हैवी पत्ती थी मेरे पे, मोड़ नहीं रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे इस मोड़ने में। तो जो बात है दोस्तों बहुत मोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, मैं आपको मोड़ के फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने मोड़ के आपको फिर दिखाई है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, मैंने ठोक पीट हथौड़ा बतौड़ा जाने क्या क्या मारा इसमें, क्या बोला तूने, तब जाके ये ठीक हुई है, ऐसी मोड़ पाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 होल कर लिए इसमें, तो इसको होल्सिंग मैंने बना दिया है, जो बात है आपके सामने। तो इस, ये देखिए यह आरी का ब्लेड, इसे पत्ता ही बोलते हैं। तो ये इसमें देखिए पत्ता आ नहीं रहा है, ब्लेड जो है। तो इसके हम दांते हैं ना आगे साइड से, दांत या तीत होते हैं इसके, तो उन तीतों को मैं आगे से घिस दूंगा। तो एंगल ग्राइंडर की मदद से मैं यहाँ से घिस देता हूँ। तो दोस्तों जो बात है आपके सामने लाइव। तो इसको ये देखिए अब बिल्कुल आपके बढ़िया चल रहा है इसमें जो, तो मैंने इतना घिसा है इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से चले। तो इतना ही घिसना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम दोनों मार्क लगा देंगे, जो हमने पत्ती में होल किए थे उन दोनों पत्तियों के, यहाँ पे हम होल के मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों होल कर दिए इसमें। तो अब इसको यहाँ पे हम कस देंगे दोनों स्क्रूओं से। और दोस्तों ये स्क्रू मैंने ऊपर से बहुत ज़्यादा घिस दिए, ताकि ये ऊपर ना निकले रहें और हमारे जो ब्लेड है ना अंदर इसमें चले तो कोई दिक्कत, तो इसमें अंदर जो ब्लेड चले ना हमारा, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो जो बात है देखो, मैंने इसमें ऊपर से घिस दिए हैं बोल्ट बिल्कुल, जो स्क्रू है हमारे ऊपर से मैंने घिस दिए हैं। तो इस स्क्रू को मैं यहाँ पे टाइट कर दे रहा हूँ, फुल्ली टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइट कर दिया, अब इसके अंदर ये डाल दिया है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों एक सर्कल काट लूँगा अब इसके बाद में। तो एक MDF बोर्ड का ये मैंने सर्कल काट लिया है, जो बात है। तो इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इसकी शाफ्ट है ना मोटर की, वो हाफ है यानी कि आधी कटी हुई है। तो इसमें भी मैंने ऐसे ही कट लगाया है, जो MDF का बोलिया है मैंने। तो ये देखिए मेन मुद्दा दोस्तों अब आया है, जो बहुत दिक्कत वाला काम है ना वो अब आया है। तो ये देखिए MDF का जो सर्कल काटा है वो कब कितना ऊंचा है, और हमारे जो ब्लेड लगा है वो कितना नीचा है। तो दोस्तों इसे ऊँचा उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर ले आया हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इसी के नीचे MDF बोर्ड का टुकड़ा लगा दिया कुछ, तो वो मैंने कैसे लगा दिया, वो
थोड़ा सा पीस काटा, उसमें भी होल किए। होल करने के बाद मैंने स्क्रू टाइट कर दिए, जो बात है। तो ये देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। जो मैंने ब्लेड लिया था ना, आरी का पत्ता ही बोलते हैं, जो मैंने पत्ता लिया था उसमें भी मैंने एक होल कर दिया है आगे की साइड में। तो देखिए अब देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी मैं यहाँ पे होल कर दे रहा हूँ। ज़्यादा दूर नहीं करना है, बिल्कुल पास ही कर देना है। ज़्यादा दूर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे भी होल कर दिया है। तो ये देखिए अब दोस्तों, आप बताइए दोस्तों ये कैसी लग रही है मुझे। तो ये दोस्तों हमारी अब ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कुछ चलने के लिए जो है, तो अब आपके सामने है। तो इसमें मैंने ऊपर बोल्ट लगा दिया है। तो जो मैंने एक वो लगाई है ना, साइकिल के स्कोप लगाया है, जो तार दिख रहा होगा आपको, और जो ब्लेड है ना, ब्लेड उसके नीचे मैंने एक सुरमा बोलते ना सुरमा, उसको काट के नीचे लगा दिया। तो अब देखिए इसको मैं चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो दोस्तों अब इससे हम कुछ काट के देखते हैं, चलो। तो इससे देखिए हम इस पीवीसी पाइप को काटने वाले हैं। तो दोस्तों आप बताना मुझे कितना बढ़िया काम कर रहा है ये, मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं आप कि ये कैसा काम कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। दोस्तों मैंने चलाया था ना तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, जो बात है बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काट रहा है। तो इतना दोस्तों मैंने सोचा नहीं था, इतना इसने अच्छा काम कर दिया। तो दोस्तों मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। तो अब मैं इसी को सब हर जगह पे काम लेने वाला हूँ। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और दोस्तों आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लेना, जब कभी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब इससे, प्लीज़ दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ से काट दिया। तो ये तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काट दिया, जो बात है बिल्कुल। अब मैं इससे थोड़ा हैवी काटने वाला हूँ। तो ये वाला थोड़ा हैवी है, उससे बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही मोटा है पाइप में। तो ये पीवीसी का पाइप है, बहुत ज़्यादा मोटा है उससे। तो इसको भी मैं काट के दिखा रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल लाइव है, जो बात है बिल्कुल आपके सामने है दोस्तों। तो आप सोचो ये फेक है, फेक है, फेक कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल रियल वीडियो है आपके सामने है, जो बात है। और आपको दोस्तों ये फेक लगे ना तो आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप ज़्यादा ही फेक लगे तो आप दोस्तों इसको घर पर बना के फिर आप ट्राई भी कर सकते हो इसको। तो दोस्तों ये आपको घर पर ज़रूर बनानी चाहिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है, छोटे मोटे काम तो आपके बहुत आसानी से कर देगी। तो दोस्तों मैंने तो इसे बहुत बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों मैं इससे बहुत कुछ काटने वाला हूँ, तो यहाँ पे तो मैं अभी नहीं रुकने वाला, इससे अभी और कुछ काटने वाला हूँ। तो दोस्तों ये पाइप तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से कट रहा है, जो बात है। तो दोस्तों ये तो देखिए यहाँ पे ये कट चुका है। तो यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा काटने में, तो इसको टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी जो वोल्टेज है ना वो 12 वोल्ट मिल रही है, हमारी जो मोटर है वो 24 वोल्ट तक काम करती है। तो हमारे सिर्फ 12 वोल्ट है, अगर वोल्टेज और तेज़ होते ना तो और जल्दी काम करती है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काट दिया है। तो दोस्तों ये भी बहुत मस्त काट दिया है, जैसे मैंने सोचा नहीं था, उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने ये देखिए हमारे हाथ है ना, हाथों में खुजली मचती है तो वो रुकते नहीं है। तो फिर मैं एक MDF बोर्ड ले आया तो उसको काटने लगा। तो दोस्तों इसको भी मैं काट रहा, तो ये भी बहुत अच्छी से तरीके से काट दिया इसने। दोस्तों मैं हैरान में पड़ गया। तो इसने यार ऐसे इसको भी MDF बोर्ड को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काट दिया। तो इधर से देखिए मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, ये रुक नहीं रहा था, भाज रहा था। मैंने भी बोल दिया बेटा हम तो उसको काट ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू भाज ले कितना भाजेगा, हम काट ही देंगे तुझे। तो दोस्तों इसको काटने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो यहाँ तक शूट किया ना, उसके बाद भी मैंने इससे बहुत कुछ काटा है दोस्तों। तो आप अनुमान लगा सकते हो ये कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको वीडियो में और भी दिखाता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती दोस्तों, तो अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, जो बात है। मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की से कोशिश की थी, लेकिन ये हो नहीं पा रही है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कोई नए प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।